को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां इसे कामयाबी के तौर पर देख रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी नेताओं पर सवालों की बौछार कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया, तो केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी के टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। सिंघवी ने कोर्ट को दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं है, इस मामले में जल्दबाजी की क्या जरूरत थी। पहले और आखिरी समन में समय का काफी अंतर रहा है, ऐसे समय में पार्टी नष्ट हो सकती है। ईडी ने सिंघवी की दलील पर बोला कि अभी हमने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल ही नहीं की, तो फिर बयान के आधार का यहाँ जिक्र करने का क्या मतलब। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत मंजूर होने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान चलाने का आह्वान किया। इस अभियान के जरिए देश भर में 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी नेताओं में अब ये उम्मीद जाग गई है कि कथित शराब घोटाला के कांड के आरोप में जेल गए मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी रिहा हो जाएंगे। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना FIR बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी नेता आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम इस केस में उछला है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसे लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक भी होती जा रही है। बहरहाल संजय सिंह को तो जमानत मिल गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से कथित शराब घोटाला कांड का जिन्न एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को निगल रहा है, ये आशंका भी लोगों को सताने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के एक नेता बाहर आए और दो नेता भीतर जाते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर इस वक्त अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को लेकर आ रही है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा ये कहा गया है कि ये याचिका खारिज कर दी जाए। साफ तौर पर ईडी द्वारा ये कहा गया है कि दरअसल केजरीवाल घोटाले के किंग पिन है, और इतना ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की संपत्तियों को कुर्क करने पर भी विचार कर रहे हैं, ये ईडी ने कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ घोटाले के ठोस सबूत है, जांच में मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। वहीं केजरीवाल के वकील सिंह भी ईडी और गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, चुनाव के बीच ये गिरफ्तारी क्यों की गई है, कब तक ये फैसला आ सकता है। जरा फटाफट से मैं अपने सहयोगी जतिन का यहां पर रुख करती हूं। जतिन, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ये फैसला आ सकता है? जी देखिए, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और जो ऑर्डर है वो इस पूरे मामले में लिखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन दो बड़ी बातें इस पर निकलकर सामने आई। एक ये कि आम आदमी पार्टी जो लगातार ये आरोप लगा रही थी कोई मनी ट्रेल ईडी के पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ईडी की तरफ से आज कोर्ट में साफ बोल दिया गया कि सबूत है, सबूत स्क्रीन शॉट्स हैं, बातचीत के सबूत है। और ऐसे केसेस जिसमें पैसा नहीं दिख रहा है उसमें सरकारी गवाहों की जो गवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी बोलती है कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो ईडी का साफ तौर पर कहना है कि मनी ट्रेल होगा कैसे, जो पैसा आप लोगों के पास आया वो पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च कर दिया, 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, उसके सबूत ईडी के पास है। और इन्हीं सब दलीलों के आधार पर लगातार जो सिंह भी अपना पक्ष रख रहे थे, केजरीवाल की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उसको काउंटर करती हुई ईडी नजर आई है। हालांकि कोर्ट ने ना केवल काउंटर करती हुई बल्कि जबरदस्त तरीके से काउंटर करती हुई जतिन, बल्कि ईडी तो यहाँ पर यह कह रही है कि आम आदमी पार्टी की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी हो रही है। तो मतलब क्या, अब ये देखें पहले नेता अंदर और अब ये प्रॉपर्टी सीज की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सीधी लाभार्थी है।
आज बिल्कुल हिंट बिल्कुल ईडी ने इस पूरे मामले में कर दिया और ये भी बता दिया कि आगे ईडी की इन्वेस्टिगेशन अब किस और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जो पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के पास आया, तो ये बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल चाहे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया हो या चुनाव में लड़ने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया हो। तो अगर ईडी आगे जाकर आम आदमी पार्टी की संपत्ति को कुर कर देती है तो यही आम आदमी पार्टी वाले फिर से बोलेंगे कि चुनाव के समय पर इस तरीके से हमारी संपत्ति को कुर कर दिया गया, हमारे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, तो हम चुनाव लड़ेंगे कैसे। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच जो है वो शुरुआती दौर पर है, तो आप इसको ये मत समझिए कि ये कोई कंक्लूजन निकल गया है। संजय सिंह को अगर जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो आप ये मत कहिए कि वो दोषी मुक्त हो गए हैं, उनकी एक तरीके से रिहाई हो गई है, उनको जमानत बिल्कुल मिली है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जमानत इसलिए मिली क्योंकि हमने कहा कि जमानत बल्कि आप ये देखिए जतिन कि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी बात करूंगा, लेकिन उनकी हर दूसरी लाइन में राजनीतिक बात होती है। अब उनको तो ये समझना होगा इतने बड़े वकील हैं कि कोर्ट में इस तरह की बातें नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर होता है जो भी होता है। लेकिन आप नजर बनाए रखिए उधर संजय सिंह की खबर पर भी, हालांकि मुझे अपडेट चाहिए थी, अगर फटाफट से आप एक लाइन में उसके लिए बता सके कि कितनी देर और उधर संजय सिंह के लिए लगातार देरी हो रही है। जी देखिए अभी जो परवाना है जिसको ऑर्डर कॉपी बोला जाता है वो अभी तिहाड़ जेल पहुंचा नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को बताए थे कि संजय सिंह की फैमिली अपने घर से निकल चुकी है, किसी भी समय वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। संजय सिंह जेल नंबर 5 में है, सुपरिटेंडेंट के रूम में बैठे हुए हैं। जैसे ही परवाना आएगा सुपरिटेंडेंट उसके ऊपर कागजी कार्रवाई जो है वो शुरू कर देंगे, डीजी के पास वो परवाना पहुंचेगा, उनके हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज है, सामान बटोरना, जो संजय सिंह कपड़े पहनकर पहुंचे थे वो सब उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 7 से 8 बजे तक का समय इसमें लग सकता है, लेकिन देखना होगा कि परवाना कितनी देर में यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद ही जो कागजी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो अभी टाइम लग सकता है थोड़ा सा, जिस तरह से हमारे सहयोगी जतिन हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। जतिन जैसे ही कुछ हलचल होती है आप हमें क्यू दीजिएगा, हम लौटेंगे तुरंत आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। सूर्य मैथिल जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनेन्द्र भारद्वाज जी भी जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय मिश्रा जी आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं कि राहत नहीं मिली है, आप लोगों को लग रहा था कि जैसे संजय सिंह के मामले में, हालांकि अभी वहां पर भी थोड़ी सी देरी हो रही है, अभी टाइम लगेगा आपने सुनाई खुद, तो ऐसा नहीं है। और आज तो देख लीजिए कि ईडी ने कितनी दो टूक यहां पर कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि हवा में कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। हिमानी जी देखिए आश्चर्य की बात नहीं है, कोर्ट को जो कोर्ट के विवेक पे कभी भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, कोर्ट का काम है। अभी आपने कहा कि फैसला अभी सुरक्षित है, फैसला आएगा, हो सकता है बीजेपी वालों को मालूम है कि क्या फैसला आएगा, ये मैं कह नहीं सकता, वो खुश होते रहे, लेकिन हमें कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट जो कुछ भी करेगा वो देख सुन करके ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात ये है कि जहाँ पे मनी ट्रेल के लिए सिर्फ ईडी कह रही है कि हाँ प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपने गोवा में चुनाव में खर्च कर दिया इसलिए आप जेल में रहोगे, वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ मैं मान लिया ना, स्क्रीनशॉट को माना रहे हैं, लेकिन जहां पे ये प्रूव है कि उस व्यक्ति के जिसके कहने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उसके कंपनी से 60 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में आया, वो साफ साफ दिख रहा है अकाउंट में आया, वो लोग पाक साफ हैं, उस पर एक एक करके वो लोग पाक साफ हैं, पर भी आएंगे, नहीं नहीं मैं सवाल वही है ना, हाँ, सवाल वही है, केस वही है, हम केस पे केस से बाहर तो गए नहीं है, हम ये कह रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ये केस चलाया जा रहा है, जिसके बयान पे केस चलाया जा रहा है, और उसका तो छोड़ दीजिए, पूरा लाइन लगा हुआ है, आपके पास तो सबसे ज्यादा लिस्ट होगा हिमानी जी कि जिन जिन कंपनियों के यहाँ रेड मारे गए, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं, बीजेपी उसे भुना लेती है और उसके बाद में ईडी और सीबीआई उस कंपनी के को पाक संजय सिंह जी भी तो खरीदने